जय हिंद दोस्तों, एक और नए शानदार दिन में आपका स्वागत है। तो भैया आज की वीडियो होने वाली है कि आप पब्लिक के बीच में व्लॉग कैसे करते हैं। हाँ जी, तो हाउ टू व्लॉग इन पब्लिक। तो भैया जो नए नए यूट्यूबर बनते हैं और उन्हें कैमरा फेस करने में काफ़ी परेशानी होती है, और पब्लिक में व्लॉग करने के बाद अगर आए तो भैया सभी के लगते हैं पसीने छूटने। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि पब्लिक में व्लॉग कैसे करते हैं, और भैया जब वीडियो पब्लिक में ब्लॉग करने के हो तो घर में बैठ के कैसे वीडियो बनाया जा सकता है। चलिए तो लेके चलते हैं आपको पब्लिक के बीच में, और वहीं पे बताते हैं कि पब्लिक बीच में ब्लॉग कैसे करते हैं, और आपको कैमरा फेस करने में कोई भी जिस भी प्रकार की हेजिटेशन हो तो उसे दूर कैसे करते हैं। तो मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है यहाँ पर पार्किंग मैदागिन पर मैं हूँ, और मैं मैदागिन से होते हुए बुलानाला की तरफ चौक रास्ते में जाऊंगा। तो चलते चलते और बाकी बातें हम आगे करते हैं। भैया जी आज के वीडियो को शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर के। तो अभी आप जैसा देख रहे होंगे कि मैं हूँ अभी सड़क पे, और मैदागिन से मैंने अपनी रोड यात्रा शुरू की, और अभी ज़बरदस्त भीड़ के बीच में से हम जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो आपके मन में आती है कि भैया क्या कहेंगे लोग, तो लोगों के बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अच्छे करेंगे तो भी लोग कहेंगे, और आप बुरे करेंगे कुछ करेंगे तो वो भी लोग कहेंगे। तो शर्माना छोड़िए, कैमरा उठाइए और शुरू हो जाइए। दोस्तों व्लॉगिंग का चैनल तो इंडिया में पहले नहीं था, लेकिन 2007-08 से धीरे धीरे यहाँ पे व्लॉगिंग का चलन स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप पहले वीडियो बनाते हैं कैमरा लेकर के तो काफ़ी लोग भरी ऑकवर्ड भरी नज़र से देखते हैं, तो भैया जैसे कि आप मानो किसी दूसरे ग्रह से ही हो के आए हो। लेकिन अब धीरे धीरे हर कोई यूट्यूब चला रहा है, और अगर कोई आपके हाथ में कैमरा लिए हुए दिखता है तो हर कोई समझ जाता है कि बंदा एक यूट्यूबर होगा, कंटेंट क्रिएटर होगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले अपने मन के अंदर से वो डर को निकालना होगा। मानता हूँ कि एक झटके में नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे अपने अंदर के डर को निकालिए, और आसपास की पब्लिक से आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनको देखने दीजिए और आप अपना आप काम करते रहिए। देखिए लोगों का काम ही होता है देखना, और तरह तरह के लोग देख करके मुंह बनाएंगे। भैया ये इंडिया है, विदेश नहीं है कि यहाँ पे लोग इतना एडवांस हो सोच रखते हैं। तो धीरे धीरे समय के अनुसार सब बदल रहा है, सब लोग कैमरे के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। खैर अभी अपना काम है कि व्लॉग पब्लिक में व्लॉग कैसे करें। तो आपने जो पब्लिक के डर हो, डर को आप नेगेटिव मत लीजिए, इसको पॉजिटिव में लीजिए, और सारे डर को भूल के अपने वीडियो पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एक वाइड एंगल का यूज़ करें, ताकि आप भी आएँ और आपके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपके कैमरे में कवर हो जाए। और चलते रहिए, तो बाकी अपने आप आसपास की चीज़ों को भी आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे में, जैसे दुकानें हो गई, ठेला हो गए, अगर सड़क पे कुछ बिक रहा है तो उसका भी आप एक सिनेमैटिक व्लॉग बना सकते हैं। तो देखिए बात करते करते हम लोग आ पहुँचे हैं मैदागिन से मणिकर्णिका घाट की तरफ, जो रास्ता जाता है। देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये मणिकर्णिका द्वार है,
जो कि गली से होते हुए आपको सीधे घाट तक पहुंचाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे विश्वनाथ कॉरिडोर पड़ेगा जो कि गेट नंबर 4 के नाम से जाना जाता है। तो मैक्सिमम टाइम ये गेट यहाँ से बंद रहता है। अगर विश्वनाथ बाबा का दर्शन करना है तो आप घाट के रास्ते पर जा सकते हैं और ललिता घाट से भी बहुत बेहतरीन दर्शन होता है। दोस्तों आज चौक वाले रास्ते पे बहुत भीड़ थी। दरअसल विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पे वीआईपीओं का आना जाना काफ़ी बढ़ गया है, जिस वजह से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा रश में लगा रहता है। दोस्तों इस कड़ी में अगर हम आपको आगे बताएं तो आप बात करना शुरू करिए। जी हाँ, ब्लॉग करने के लिए आपको बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई जब नया नया कैमरा पकड़ता है तो इतना बातें सभी लोगों से हो नहीं पाती। आप एक सेंटेंस बोलोगे फिर उसके बाद आपका पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि क्या मैं बोलूं। तो पहले आपको इस आदत को अपना चेंज करना होगा, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बात करते रहेंगे चलेंगे तो आप उतना आप कैमरा फ्रेंडली होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाइए, तो इससे जो कैमरे का फियर है, डर है, वो आपके दिल से निकलता चला जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये हम आपको बता दें कि अगर अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आगे की चीज़ हम आपको बताएं कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बात करें, कैसे ब्लॉग करें, तो आप पहले अपने बारे में आप बताना शुरू करिए। जैसे एक हम अपने बारे में बताएं तो भैया आप देखे होंगे कि पिछले 11-12 दिनों से हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो अब क्या कहें कि जॉब में बहुत व्यस्तता हो जाने के कारण समय नहीं मिल रहा था, जिस वजह से हम वीडियो शूट कर पाएँ और इसी कारण से हमारे चैनल पे व्लॉग आ भी नहीं पा रहे थे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज टाइम मिला है तो सोचे कि आज एक वीडियो बनाएं और जो जो परेशानी हम फेस किए थे वो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिले कि आप पब्लिक में व्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस वीडियो से मिले कि जिससे आपका डर पब्लिक में ब्लॉग करने से दूर हुआ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप पब्लिक में ब्लॉग कर रहे हैं और किसी चलते चलते आप किसी स्थान पर पहुँचे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उस जगह की जो लोकल चीज़ें हैं उसके बारे में आप बता सकें, या अगर किसी आप अपने फेवरेट जगह पर चले जाएं जिस जगह के बारे में आप अच्छे से जानते हों, ताकि उस जगह के बारे में आपको बताने में कोई हिचकिचाहट ना हो। जैसे हम आपको बताएँ तो इस समय हम हैं गदौलिया चौराहे पर, जो कि यहाँ का सबसे काफ़ी फेमस चौराहा है। और इस जगह के बारे में आपको बताएं तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये टू व्हीलर पार्किंग स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और मेरे पीछे ये जो रास्ता जा रहा है ये चला जाएगा सीधे दशाश्वमेध घाट की तरफ, तो अपनी बाइक यहाँ पे पार्क करें और सीधे घाट पे जा कर के गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। और ये जो आप रास्ता देख रहे होंगे ये सीधे चला जाएगा लंका की तरफ, बीएचयू की तरफ, और रास्ते में आप संकट मोचन और दुर्गा जी का भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने लोकल जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं
और बता सकते हैं, तो आपको अपने ब्लॉग में टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा बताने को मिल जाएगा। भैया वीडियो में आगे बताएं तो जब भी आप पब्लिक में ब्लॉग करें तब एक जगह पे खड़े होकर के बिल्कुल ब्लॉग न करें, आप चलते रहिए। चलते चलते ब्लॉग करना काफ़ी ईजी होता है, जैसे कि मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ और आपको पब्लिक में ब्लॉग कैसे करते हैं उसके बारे में बताते जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप एक जगह पे खड़े हो तो ब्लॉग करेंगे तो आप कैमरे में तो आपका ध्यान रहेगा ही, और अगर किसी के चेहरे पे आपका ध्यान चला गया तो आप थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होगा कि फलाने व्यक्ति क्या सोचेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप चलते रहिए, आप चलते रहेंगे तो आपका ध्यान कैमरे की तरफ रहेगा और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो ये भी काफ़ी ईजी होता है पब्लिक में ब्लॉग करना। और मैंने भी अपने यूट्यूब की शुरुआत ऐसे ही की थी, तो मुझे भी काफ़ी कैमरे से डर लगता था, फियर होता था। और दोस्तों मैं सच बताऊं तो मैं भी काफ़ी कैमरा शाही पर्सन था। कैमरा तो छोड़ो, मैं शीशे में भी अपने आप से बात नहीं कर पाता था। तो मैंने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, आप लोग देख ही रहो कि मैं अभी सड़क पे चल रहा हूँ और बिंदास कैमरे में बोल रहा हूँ, कोई मुझे किस नज़र से देखता है मुझे उसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने जिस काम के लिए आया हुआ हूँ वो काम कर रहा हूँ बस। और बाकी दोस्तों धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट होता है, एक झटके में नहीं होता कि आप चुटकी बजाइए और कैमरे का डर आपके अंदर से निकल जाएगा। तो अंदर से हिम्मत बनाइए, कैमरा उठाइए, फ़ोन ही उठा लीजिए और व्लॉग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके हाथ में कैमरा रहेगा तो थोड़ा सा बल्की होता है तो वो जल्दी लोगों के नज़र में आ जाता है, और अगर कैमरे जगह आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल डिवाइस होता है उस, और जल्दी कोई किसी की नज़र उस पर पड़ती नहीं है, तो आराम से आप व्लॉग कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी सांसें फूल रही हैं क्योंकि ये चौक का चढ़ाई है। मैं गोदौलिया से वापस जा रहा हूँ मैदागिनी की तरफ, जहाँ पे मैंने अपनी बाइक पार्क की है। तो ये रास्ता चढ़ान का है, जो इस वजह से मैं बातें भी कर रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, थोड़ा प्रेशर लग रहा है। अभी मैं चौक पर हूँ और यहाँ पे फूल मंडी, फूलों की पूरी मंडी होती है, जो कि जहाँ पे सारे थोक विक्रेता आते हैं और थोक में फूल माला लेके जाते हैं। तो एक झलक मैं आपको इस मंडी की भी दिखाता हूँ चल के अंदर। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर किसी नए शानदार ब्लॉग में, तब तक जहाँ रहें मस्त रहें, धूम मचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।